वो लोग हैं जो हर शाम की तरह अपनों के घर लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि सीएसटी ब्रिज हादसा उनके अपनों को उनसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लेगा। इस हादसे में अपूर्वा प्रभु, रंजना तांबे, जाहिद शहराज खान, भक्ति शिंदे, तपेंद्र सिंह और मोहन गायकुंडे। 32 साल के जाहिद शहराज खान अपने पिता के साथ पुल पार कर रहे थे, तभी पुल टूट कर गिर गया और जाहिद की मौत हो गई, जबकि उसके पिता इस हादसे में बच गए। जाहिद की घाटकोपर में बेल्ट की दुकान थी। हादसे में शिकार हुई रंजना तांबे जेटी अस्पताल में काम करती थी और बीती रात नाइट शिफ्ट में काम करने जा रही थी। वही तपेंद्र सिंह भी इस ब्रिज से गुजर रहे थे। उनके परिवार की शिकायत है कि पुलिस ने समय रहते इस हादसे के बारे में जानकारी नहीं दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए का ऐलान कर दिया, लेकिन मुंबई कर पूछ रहे हैं क्या उनके पैसे से उनके घर का चिराग लौटाएगा। आखिर मुंबई के ये पुल कब तक मौत का कारण बनकर टूटते रहेंगे और सरकार आखिर कब तक लापरवाही को लेकर अपने ऊपर पर्दा डालती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, WNN न्यूज़।